हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू कुछ न्यू। मैं हूँ पूजा और आज हम बनाने वाले हैं बहुत इजी एंड ब्यूटीफुल वॉल डेकोर। चलिए बनाते हैं फटाफट वॉल डेकोर। फेस्टिवल आते ही मिठाई के डब्बे तो ऐसे आते हैं, मिठाई पेट में चले जाती है, डब्बे कचरे में चले जाते हैं। तो कुछ न्यू के होते हुए ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, आखिर कबाड़ से जुगाड़ करना तो ही इस चैनल का काम है। साइड से फिनिशिंग के लिए और बॉक्स ना खुले इसलिए मैंने पिन का यूज़ किया है, आप चाहे तो ग्लू का भी कर सकते हैं। अब फोटो को बॉक्स के सेंटर में अच्छे से स्टिक कर देना है। मेरा थोड़ा सा साइड में चले गया पर कोई ना, चलता है। अब दोनों साइड के कॉर्नर्स भी हमें स्टिक कर देने हैं। ऐसी फ़ोटोज़ आपको मार्केट में ईजीली मिल जाएंगी, अगर नहीं मिलती तो उसका भी एक ऑप्शन है जो मैं वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो चलिए हमारी कबाड़ से जुगाड़ करने वाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये डेकोर भी कंप्लीट कर लेते हैं। एकदम सॉफ्ट पेपर नहीं है, थोड़ा सा हार्ड पेपर है, तो हमें इसे कोनों में अच्छे से स्टिक कर देना है, वरना ये निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया। हाँ, इशारा नहीं हुआ, बातों बातों में हमारा क्राफ्ट कंप्लीट होते आ रहा है। दूसरी साइड से भी मैंने इसे स्टिक कर दिया है। अब साइड से तो ये कवर हो चुका है, पर ऊपर और नीचे वाले हिस्से का क्या? अब क्या कर सकते हैं, बचा खुचा कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जो बचा खुचा पेपर है ना, हमें उसे दो हिस्सों में आधा आधा कट कर देना है और इसे नीचे और ऊपर वाली साइड में पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टिक कर देना है। अरे हाँ, आइडिया देना तो मैं भूल ही गई, अब प्लीज़ कमेंट में भुलक्कर ना कहना। हे भगवान, ये क्या हो गया, ये तो अभी भी कवर नहीं हुआ, अब फिर से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब जहाँ जहाँ से कवर नहीं हुआ वहाँ मैं ब्लैक पेपर का यूज़ करने वाली हूँ। अब एक्स्ट्रा पेपर को कट करके पीछे की साइड इसे भी स्टिक कर देना है। अब तो आप भुलक्कट लिख ही दो क्योंकि मैं फिर से भूल गई। इससे पहले कि मैं फिर से भूल जाऊँ अभी बता देती हूँ, तो अगर आपके मार्केट में ऐसे पोस्टर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं। आपको जिस भी चीज़ का वॉल डेकोर बनाना है, यानी जिस भी फ़ोटो को इस फ्रेम में ऐड करना है, उसका फ़ोटो गूगल से डाउनलोड करके कलर प्रिंट करवा ले। और यहाँ लोकल मार्केट में एक कलर प्रिंट का 10 रुपीज़ लेते हैं, तो आपके हिसाब से देख लीजिएगा। तो इस हिसाब से अगर आप फ़ोटो ले भी आते हैं, प्रिंट ले भी आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 रुपये स्पेंड करने होंगे और 5 रुपये का क्लू जो कि पूरा ख़त्म भी नहीं होने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वॉल डेकोर बहुत इजीली और कम बजट में बनके तैयार भी हो जाएगा। अगर हम वेफर्स के पॉकेट भी ख़रीद लेते हैं तो उसमें भी कितनी कम क्वांटिटी में वेफर्स आते हैं, तो हम 10 रुपये में इतनी ब्यूटीफुल चीज़ बना रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट डील है। अगर आप इसे हैंग करना चाहते हैं तो डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर डबल साइडेड टेप लगाकर भी इसे वॉल पर लगा सकते हैं।